स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज फिजिक्स पैराडॉक्स। तो आइए चलते हैं आज एक और नई इंटरेस्टिंग से टॉपिक की ओर, व्हिच इज ओम्स लॉ। इट इज वेरी वेरी फेमस। ओके, तो जल्दी से देखते हैं इसकी क्या है डेफिनेशन, क्या है एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्टली अगर हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन को स्टडी करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि ओम्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है। ओके, तो हमें उसने कुछ एक लॉ दिया, ठीक है। उस लॉ को समझते हैं हम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग टू ए कंडक्टर डिपेंड्स, और यू कैन से डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ओके, अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, के किसी कंडक्टर में से, लेट अस कंसीडर, मैंने ये कोई कंडक्टर कंसीडर किया, ठीक है। तो इसमें से ये सपोज कर लो इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, तो मैंने इसे किसी बैटरी के साथ आगे फर्दर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें से कितना जो करंट है वो फ्लो करेगा, वो करंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें इसमें लर्न करना है, ठीक है, रिमेंबर करना है हमेशा। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन मीन्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ओके। तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी ओबे होगा जब ये कंडीशन एप्लीकेबल है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर सेम है, तो ओम्स लॉ जो है वो भी होता है, ठीक है। तो इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्टली क्या है कि इसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली कि हमारा जो करंट है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और यू कैन ऑल्सो से वी इज प्रपोर्शनल टू आई, ओके, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। मान लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल कंडीशन सेम है, ओके, तो हमारे पास क्या है कि वी जो है वो आई के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, ओके। देन अगर आप इसे इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं, दैट यू नो के प्रोपोर्शनल को इक्वल में लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ एक कांस्टेंट चाहिए होता है, कांस्टेंट इनटू आई, और यू कैन से वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। और इस कांस्टेंट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, ओके, और ये जो आर है दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस मीन ऑपोजिशन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई विल रिमेन कॉन्स्टेंट। वी और आई की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, जब तक फिजिकल कंडीशन सेम है। जब तक फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, जब तक ये फैक्टर सारे सेम रहेंगे तब तक ये जो लॉ है ये भी ओबे होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस जो है वो नई टर्म निकाली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, ठीक है जी। तो जब तक ये ऑपोजिशन सेम है, ठीक है जी, तो क्या देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, तो इसके यूनिट क्या है रेजिस्टेंस के, इसको हमने ओम में मेजर किया, ठीक है, जिसका सिंबल ये है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम कब होगी, जब हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और कंडक्टर में से 1 एम्पियर का क्या हो, करंट, ठीक है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट, ओके, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर दैट विल गिव यू द 1 ओम रेजिस्टेंस, ओके, एंड दैट रेजिस्टेंस जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, ओके। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है जी। तो इसको हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं अपनी लैब में, ठीक है, बड़े इजीली आपके पास ये सारे जो इसमें हमने यूज़ करने हैं इक्विपमेंट्स वो सारे आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे। तो
तो अब इसको लैब में कैसे वेरीफाई कर सकते हो देखते हैं। फर्स्टली इसको वेरीफाई करने के लिए सपोज कर लो कि हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है जी। लेट्स से दैट कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, एक बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है जी। देन ये एक बैटरी कनेक्ट किया हमने कंडक्टर के साथ, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज दैट इज अ रियोस्टैट आर एच, ओके रियोस्टैट है दैट, यू नो कि इसका सिंबल ऐसे है, ठीक है रियोस्टैट, ओके। देन उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, एक की लगाई है, ठीक है यहाँ हमने एक की लगाई है, की के, ओके। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ एक एमिटर लगाया, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया, दैट यू नो कि जो वोल्ट मीटर है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, एमिटर को हमेशा हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ओके। तो इस तरह से हमने ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लिया, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी करोगे, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है जिसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ये हमारी बैटरी है, ठीक है जी। तो जो हमारा करंट का सोर्स है, ये हमारा रियोस्टैट है जिससे हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। एक्चुअली क्या है, रियोस्टैट से हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं जिससे हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज होती है, ओके। द नेक्स्ट इज द की, ओके, स्विच ऑफ या ऑन करने के लिए सर्किट को। द नेक्स्ट इज द एमिटर which is used to measure the current, okay? तो ऐसे सेटअप लगाने के बाद सपोज कर लो कि हमने अपनी की को क्लोज कर दिया। अगर की को क्लोज कर दिया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, V वोल्टेज और A से हम क्या करेंगे, एमीटर जो है इसकी रीडिंग, यानी कि करंट की रीडिंग जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। दैट से दैट इज द नंबर ऑफ रीडिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके, एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड हेयर इज द करंट I। ओके, लेट्स से कि सबसे पहले हमने रियोस्टेट से सेटिंग की और वोल्टेज जो है हमने 1 वोल्ट दी, तो करंट जो है लेट्स से वो 0.25 है, तो वोल्टेज को हमने 2 कर दिया तो करंट हमारे पास 0.50 हो गया, वोल्टेज को 3 कर दिया करंट जो है लेट्स से दैट इज नियरली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेट्स से नियरली 70 है, 0.70, और हमने इसको 4 कर दिया दैट इज नियरली 1। Then you will calculate R which is equal to V upon I. Okay, then that will give you 4, again 4, again 4.3, again 4. Okay, तो इस तरह से हम इसको experimentally verify कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि resistance क्या आ रही है, almost constant आ रही है, ठीक है, provided the physical conditions remain same। अगर आप इस circuit को काफी देर के लिए on रखोगे तो आपको पता ही है कि अगर current काफी टाइम के लिए फ्लो हो जाए तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाएगी, देन इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, ओके। तो ओम्स लॉ जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में ओबे होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस मींस फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आपने उस डिवाइस में से, सर्किट में से जो करंट है वो ज़्यादा देर के लिए फ्लो नहीं करना है कंटिन्यूसली, अदरवाइज आपकी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो राइज हो जाएगी और ये जो हमारा लॉ है वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसी के बेस पे हम जो कंडक्टर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास एक क्या आते हैं, ओमिक कंडक्टर आते हैं, ठीक है जी, एक क्या आते हैं हमारे पास नॉन ओमिक, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ओमिक कंडक्टर कौन से होंगे, वो कंडक्टर जो ओबे करते हैं, ठीक है, ओबे ओम्स लॉ, ठीक है जी, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं दीज आर द ओमिक कंडक्टर, जो ओबे नहीं करते, ठीक है, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, वो क्या होंगे, नॉन ओमिक, ठीक है जी, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या होंगे, नॉन ओमिक होंगे। तो कैसे देखते हैं इनके इनके लिए, तो ग्राफिकली भी हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से इसका ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाऊँ, वी आई ग्राफ, ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग करंट हेयर, वोल्टेज हेयर, ओके, एंड आई एम टेकिंग करंट हेयर, ओके, देन दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। देन लेट्स से I am calculating the slope. Okay, what is slope? Slope is change in y-axis to change in x-axis. Here along y-axis I am taking
current and along x-axis I am taking voltage. Okay, and हमने अभी क्या पढ़ा, V equal to IR, then V upon I is equal to R. Okay, then here I have delta I upon delta V. Okay, which means I can also write it as 1 by delta V by delta I, which is equal to 1 by R. That means that slope of VI graph, okay, that is equal to 1 by R. तो हमने क्या देखा कि स्लोप जो है वो 1 बाय आर के इक्वल है. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग लाइक दिस. लेट्स से आई एम टेकिंग हियर अलोंग एक्स एक्सिस इज करंट एंड अलोंग वाई एक्सिस इज वोल्टेज. ओके, देन ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एज रेजिस्टेंस रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ, देन हाउ? Then firstly you want to find the resistance. For that you will find the slope. What is slope? Slope is change in y axis to change in x axis. Then that is change in V to change in I. Okay, then V upon I, that is equal to resistance. That means this type of VI graph, okay, that slope of this VI graph, that is equal to resistance. ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो ग्राफ है, ठीक है, वो वी और आई को एक्स या वाई किसके अलोंग लेके बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इस ग्राफ की स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस या वन बाय रेजिस्टेंस दे देगी. ओके, तो हम क्या देखते हैं, तो बेसिकली ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर में ये भी मेजर डिफरेंस आता है कि जो ओमिक कंडक्टर होंगे उनका वी आई ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है जी, जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उनका जो ग्राफ है वी आई ग्राफ, ठीक है, That is not a straight line, that can be any curve. Okay, तो best example हमारे पास है ओमिक कंडक्टर की. ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स जो है वो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, बट प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन रिमेन द सेम. ओके, जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तब तक मेटल्स जो हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करेंगी. तो इस तरह के कंडक्टर जो है वो ओमिक कंडक्टर हैं, जिनके लिए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन. एंड सेकेंडली वी हैव नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स मीन्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल्स दैट इज सेमी कंडक्टर. इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है, यू विल सी द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइक एनी कर्व. Okay, if graph or VI graph shows any curve type, okay, that means that will not obey Ohm's law. Okay, and that is the topic of Ohm's law. Okay, and which is very very important. Okay, read this topic, watch my video, and if you have any query, then write it in the comment box. And हमारे channel को देखते रहिएगा, like करते रहिएगा. और नेक्स्ट हम इसी टॉपिक से हम जो बेस्ड नेक्स्ट वीडियोस हैं वो लेके आएंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है उसको स्टडी करेंगे. क्या है रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो ऐसे ही जो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा. थैंक यू.